बांग्लादेश में आज मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में नई अंतरिम सरकार बन गई। यूनुस अब चीफ एडवाइजर के तौर पर देश की जिम्मेदारी संभालेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें नई सरकार की तस्दीक करती हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अंतरिम सरकार के दूसरे सदस्यों ने भी शपथ ली। बताया जा रहा है कि नई अंतरिम सरकार का कार्यकाल 3 साल का होगा। बांग्लादेश एक परिवार है, हमें इसे एकजुट रखना होगा, सारी शंकाएं दूर करनी होगी, जो दूर हो गए उन्हें पास लाना होगा ताकि एक साथ काम कर सकें। हालांकि खालिदा जिया नई सरकार के कार्यकाल को लेकर खुश नहीं है। बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। कल हुई रैली में कहा गया था कि जनता की चुनी हुई सरकार बननी चाहिए। बीएनपी की मांग है कि देश में 3 महीने के अंदर आम चुनाव कराए जाएं। बीएनपी समेत बांग्लादेश के आजादी पसंद लोगों को इस साजिश के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कठिन संघर्ष को अस्थिरता से खत्म नहीं किया जा सकता। मुख्य सलाहकार की शपथ लेने के बाद यूनुस स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हुए, क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास गनु भवन में घुस गए थे। उन्होंने यहां तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से फिलहाल गनु भवन रहने लायक नहीं है। भारत भी चाहता है कि ढाका में जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। जितना जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उस देश में बहाल होगा, उससे उस देश के लोगों के लिए और साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहतर होगा। शपथ लेने से पहले ढाका ट्रिब्यूनल ने लेबर लॉ कानून के उल्लंघन के मामले में मोहम्मद यूनुस को बरी कर दिया। 1 जनवरी को मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से भड़की हिंसा का दौर जारी है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 75 घंटों के अंदर 230 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि आवामी लीग अभी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर हिंसा की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुओं के घरों पर इस तरह हमले किए गए। बताया गया कि बांग्लादेश के खुलना जिले के कतिपारा गाँव में दंगाइयों ने हिंदू समुदाय के 50 घरों में आग लगा दी। रोती बिलखती ये महिला पिपला गूंज गाँव की बताई जा रही है। यहाँ भी पूरी की पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया। दावा है कि इस इलाके में हिंदू समुदाय के लोग रह रहे थे। आर्मी का दावा है कि अब हालात काबू में हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिलहट से लेकर दिनाजपुर के किजोयगंज बाजार में हिंसा भड़की हुई है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में हालात पर नजर बनाए हुए है। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू इंश्योर वेलबीइंग ऑफ ऑल इट्स सिटीजंस। We hope for early restoration of law and order in Bangladesh. बांग्लादेश में हिंसा के साथ लूटपाट की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। ढाका के इसी भी छतर इलाके में कई चोर हाथ में चाकू और दूसरे हथियार लेकर घरों में घुसते हुए नजर आए। इस दौरान सैनिकों ने आम नागरिकों की मदद के लिए कई चोरों को हिरासत में लिया है। हालात बिगड़ता हुआ देखकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सुरक्षा बलों और पुलिस को ऑर्डर दिया है कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए। ABP News, आपको रखे आगे।